गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। टुडे वी आर स्टडिंग योर चैप्टर 8, दैट इज द प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे हम आज? आपका चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो क्या है, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है स्टूडेंट? नाउन हमें पता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और फीलिंग। यानी किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का, एनिमल का जब हम नेम बताते हैं, उसका नेम, उसे क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं उसे? नाउन। तो नाउन की जगह पे हम नाउन में, नाउन मतलब क्या, नेम, तो नेम की जगह पे, नाउन की जगह पे उसे हटा के उसकी जगह पे हम जो दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या यूज़ करते, क्या कहते हैं उन्हें? प्रोनाउन। तो व्हाट आर प्रोनाउन? सच वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ये रहा, रोहन इज पॉपुलर बिकॉज ही इज़ काइंड एंड हेल्पफुल। रोहन बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि वो बहुत काइंड है, बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल, यानी सबकी हेल्प करता है। तो मैंने क्या लिखा, देखो सबसे पहले ये आ रहा है रोहन। रोहन क्या है? एक नेम है, यानी रोहन क्या है? नाउन है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ रोहन इज़ पॉपुलर बिकॉज रोहन इज़ काइंड एंड हेल्पफुल। रोहन बहुत पॉपुलर है क्योंकि रोहन बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल है। तो बार बार रोहन 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 ऐसे हम एक ही नेम को बार बार यूज़ करते हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता, इसलिए हम रोहन यानी नाउन को हटा के उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? ही। तो ही क्या है? ही नाउन की जगह पे आ गया, मतलब ही क्या हुआ? प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर आ जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। क्या हुआ? रोहन इज पॉपुलर बिकॉज ही इज काइंड एंड हेल्पफुल। रोहन पॉपुलर है क्योंकि वह क्या है? बहुत काइंड है और बहुत हेल्पफुल है। तो प्रोनाउन समझ में आया? नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स ही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन्स। ठीक है, प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? ही, शी, हिमसेल्फ, मायसेल्फ, दिस और भी एक्सेट्रा, यानी और भी होते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। ओके स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोनाउंस कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है उसमें? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कब यूज़ होता है? जब हम किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल के नेम के बारे में बात कर रहे हो तो वो उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउन। नेम मतलब जैसे रोहित, रोहित इज अ गुड बॉय, ही प्लेज बास्केटबॉल। तो रोहित की जगह पे हमने पहले हमारा सेंटेंस क्या है? रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित प्लेज बास्केटबॉल। चेंज करके क्या लिख दिया? ही प्लेज बास्केटबॉल, यानी नेम को रिप्लेस कर दिया ना। तो जब हम किसी पर्सन के नेम के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल के नेम के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा होता है, यानी जैसे मैं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ। जो बोल रहा होता है, जो बात कर रहा होता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आई, वी, मी, अस। क्या यूज़ करते हैं? आई, वी, मी, अस। ठीक है, फिर क्या आता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। और मैं जिससे बात कर रही हूँ, जो मेरी बात सुन रहा है, वो कौन है? सेकंड पर्सन। मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, और मैं जिससे बात कर रही हूँ, जिस जो मेरी बात सुन रहा है वो कौन है? सेकंड पर्सन। तो क्लियर हुआ सेकंड पर्सन क्या होता है? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। सेकंड पर्सन के लिए हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं? यू, योर, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तुम, तुम्हारा, ऐसे, यू, योर, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो जिससे बात कर रहा है, जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे मैं मेरी फ्रेंड से अपनी किसी थर्ड फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ तो वो जो दूसरी फ्रेंड है, या फिर मैं मेरी फ्रेंड से प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रही हूँ तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? वो थर्ड फ्रेंड क्या हो गया? थर्ड पर्सन। क्या हो गया? वो थर्ड पर्सन। यानी मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन,
वो बात सुन रही है, मेरे से बात कर रही है, तो वो क्या है सेकंड पर्सन। और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, ही शी हिम हर दे देम इट इट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो ये किसके लिए यूज करते हैं हम, थर्ड पर्सन के लिए। क्लियर हुआ, फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, सो पर्सनल प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में क्या था, हम नेम के बारे में बात करते तो क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी हम नेम के बारे में बात करते बस जब उसके पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या फिर सेल्फ ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे नॉर्मल हमारा एक सेंटेंस है पर्सनल प्रोनाउन का, जब उसमें सेल्फ या फिर सेल्फ ऐड हो जाए। सेल्फ कब ऐड होता है, जब हम सिंगुलर की बात करें, और सेल्फ कब ऐड होता है, जब हम प्लूरल की बात करें। तो जब सेल्फ या सेल्फ ऐड हो जाए एक पर्सनल प्रोनाउन के सेंटेंस में तो वही प्रोनाउन क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही हर्ट कर लिया तो क्या लग गया, सेल्फ। तो ये क्या बन गया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दे स्टॉप देमसेल्फ, वो खुद ही रुक गए तो क्या लग गया, देमसेल्फ, सेल्फ लग गया। तो ये क्या बन गया, पर्सनल प्रोनाउन से चेंज हो गया किसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के आगे क्या लग जाता है, सेल्फ या फिर सेल्फ, जहाँ पे भी सेल्फ या सेल्फ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, आई के लिए आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, इधर वाले क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, और एरो के दूसरी साइड वाले क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का रिफ्लेक्सिव माय सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू, जो यू होता है वो सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी। तो जब सिंगुलर के लिए यूज हो तो योर सेल्फ, प्लूरल के लिए यूज हो तो योर सेल्फ। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का themselves, एंड इट का itself। तो क्लियर हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है सबको, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी का हम टॉपिक आज यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी के इसके रिमेनिंग जो 3 टाइप्स हैं वो मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तब तक आप अभी तक जो हमने पढ़ा प्रोनाउन और इसके 2 टाइप्स, इसे घर पे जाके वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।